हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसा है आप सब? आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिमालय का पानी। जी हाँ दोस्तों, जनरली हम लोग क्या है नल का पानी पीते हैं और हम लोग कई सालों से सुनते आए हुए हैं कि हिमालय का पानी जो लोग पीते हैं उनकी एज बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब हमने सुना था कि 100-100 साल तक लोग वो पानी पी के ज़िंदा रहते हैं। और कई मिथकों में ये भी कहा गया है कि हिमालय के पानी के अंदर ऐसे कुछ मिनरल्स हैं जिससे आपकी एजिंग जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिमालया कंपनी हिमालयन वाटर। तो आज ये जो है कांच की बॉटल है, ये हिमालयन वाटर है और ये भी हिमालयन कंपनी का पानी है। तो आज हम दोनों इन वाटर बॉटल्स को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या खास है, क्योंकि जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इसकी प्राइस जो है, ये छोटी सी पानी की बॉटल है, एक लीटर भी नहीं है, ये सिर्फ 300 ml है। तो ये 300 ml की बॉटल मुझे पड़ी है 100 rupees को, 100 rupees को, यानी कि ऐसे समझ के चलिए कि 300 rupees लीटर है ये पानी। और इसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ कुछ पार्टिकल्स भी हैं जो आँखों से विजिबली दिख रहे हैं मुझे। तो मुझे नहीं पता कि ये नॉर्मल है या नहीं, बट इसके अंदर मुझे कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स ज़रूर दिख रहा है। तो आई डोंट नो इज़ इट नॉर्मल और नॉट, अगर आपको पता होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बात करते हैं इस पानी के बारे में। तो कहा जाता है कि ये एक हिमालयन सोर्स वाटर है और इसका बॉटल जो हुआ है वो हुआ है विलेज दाहुखान हिमाचल प्रदेश में। तो वहाँ से ही पानी जो है वो लिया जाता है और बॉटल्स में भरा जाता है। इसके अंदर दो टाइप आते हैं, एक स्पार्कलिंग आता है, एक स्टिल आता है। ये जो है ये स्टिल वाटर है और इसको पूरी तरह से कांच की बॉटल में दिया गया है। तो इसका MRP जो है ये 100 rupees है, मुझे 100 rupees में ही पड़ी है। और इसके ऊपर यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई, यहाँ पे पैकिंग डेट लिखी हुई है, सॉरी 14/03/21, और यहाँ पे लिखा गया है एक्सपायरी बेस्ट बिफोर मंथ्स ऑफ पैकिंग, 12 months ऑफ पैकिंग। तो अभी ये फ्रेश है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले मुझे ये जो ग्लास है इसमें मैं इसको भरूंगा। अब बोलना मत ऐसा, क्यों क्या सील जो है टूट जाता है आसानी से। तो थोड़ा सा लेते हैं हम लोग। ओके, चीयर्स फॉर द हेल्थ। स्मेल बिल्कुल नॉर्मल है, कोई स्मेल नहीं है। हाँ हाँ, बहुत ही अलग। एक्चुअली मैं जब हिमाचल प्रदेश गया था वहाँ पे मैंने पानी पिया था, तो सिमिलर टेस्ट मुझे लगा था पानी का, बिल्कुल सिमिलर। हाँ हाँ, मज़ा आ गया। आ हा हा, सच में रिलीफ, मतलब लगता है कुछ तो भी पी रहे हैं हम लोग। तो चलिए फटाफट हम लोग इसका TDS चेक कर लेते हैं। तो यही पानी में थोड़ा सा ले लेता हूँ, बिकॉज यार 100 rupees का 300 ml मिला है, बचा बचा के पीना पड़ेगा। कम से कम 3-4 दिन तो पीना पड़ेगा, तभी तो ये पैसा वसूल होगा। इसका TDS है 236। तो TDS इज फुल ऑफ मिनरल्स, मतलब ये पानी में काफ़ी मात्रा में मिनरल्स है। तो 236 TDS का पानी पी के मज़ा आ गया। मुझे थोड़ा थोड़ा लाइट हैंगओवर भी लग रहा है अभी मजाक कर रहा हूँ। ये हमारे पास में pH लिक्विड है, तो थोड़ा सा पानी कम कर ले। इसमें हम लोग ये pH लिक्विड डाल के देखते हैं कि इसका pH कितना है। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ pH तो है नॉर्मल ही है, ये अराउंड मेरे ख्याल से 7 to 7.5 के बीच में pH है, यानी कि एसिडिक नहीं है, न्यूट्रल के आसपास है। इट्स नॉट एसिडिक, इट्स न्यूट्रल वाटर, तो ये भी अच्छी बात है। तो दूसरी बात करते हैं, इस पानी को हमने ढक के रखना चाहिए ताकि ये उड़ ना जाए। ओके, तो इसके अंदर जो है हिमालयन मिनरल्स भरे हुए हैं और काफ़ी अच्छा मुझे लगा। ISI मार्क है और BIS सर्टिफिकेशन भी है। तो चलिए इसको बाजू में रखते हैं, इससे थोड़ी सस्ती
थोड़ी सस्ती। इसकी कॉस्ट है, थोड़ी नहीं काफी सस्ती, ये एक लीटर बॉटल है 65 रुपीज की है, और ये भी है हिमालयन वाटर। तो इसमें क्या है, कुछ खास मेंशन नहीं है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, इसको टेस्ट करके देखते हैं, खोल के क्या थोड़ा सा लेते हैं, टेस्ट करते हैं। क्या बताऊं, मतलब सीरियसली मुझे इसे पिया मुझे सेम ही टेस्ट आया। इसमें भी मुझे थोड़ा सा हिमालयन टेस्ट आया है, लेकिन ये कहाँ पे पैक होती है उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। बॉटल्ड इन दाऊखान तहसील हिमाचल प्रदेश, मतलब ये भी वहीं पे पैक हुआ है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका पीएच कितना है, जैसे हमने ये इसका पीएच देखा था, तो अभी इसका भी पीएच हम लोग चेक करते हैं, टीडीएस चेक करते हैं, कितना डिफरेंस है, क्या है, हमें समझ में आ जाएगा पानी के अंदर क्या है। पी के तो इतना टेस्ट में कुछ डिफरेंस पता नहीं चला। ओके, इसका भी टीडीएस अराउंड उतना ही है, 234 टीडीएस है। और इसका पीएच देख लेते हैं हम लोग कितना पीएच है। तो पीएच भी सिमिलर है, 7-8 पीएच के बीच में है, बिल्कुल सिमिलर है। तो फिर इतना कॉस्टली क्यों है, ये क्या फर्क है, ये कहाँ पे बॉटल हुआ है। इट इज बॉटल्ड इन धाउकान तहसील, एक ही जगह पे बॉटलिंग होती है दोनों की, और एक ही जगह पे दोनों का यही होता है। ये 300 ml है और ये है 1 लीटर। तो ऐसे क्यों इतने महंगे, क्या रीजन क्या है इसका इतना महंगा होने का, मुझे नहीं समझ में आया। अगर आपको पता होगा तो जरूर बताइएगा, क्योंकि पानी के कंपोजिशन में तो कोई डिफरेंस नहीं लगा मुझे, दोनों का टीडीएस बिल्कुल सेम है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो हम लोग हटा देते हैं इसको, साफ कर लेते थोड़ा सा पानी। इसको हटा देते, ले लेते हैं वापस से टीडीएस चेक करेंगे साइड बाय साइड। ये ले लिया और ये ले लिया, और ये मैंने आपके लिए किया है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, पैसे खर्च किए आपके लिए मैंने। ये सबसे पहले ये देख लेते हैं, हिमालयन वाटर टीडीएस 235 और बॉटल्ड हिमालयन वाटर 1 लीटर वाला 233-234। तो मुझे लगता है दोनों में एक ही पानी है। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड दोस्तों, अगर आप ये पानी पीना चाहते हैं तो नीचे लिंक जरूर दे दूंगा, मैंने इसे खरीदा है फ्लिपकार्ट ग्रॉसरी से। आप चाहे तो आप भी खरीद सकते हैं अमेजोन स्टोर से या फिर फ्लिपकार्ट ग्रॉसरी से या आपके नज़दीकी कोई भी जनरल स्टोर से, दोनों सेम लगे मुझे तो, बट कह नहीं सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।